हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज के जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे जावास्क्रिप्ट कंडीशनल स्टेटमेंट। सो कंडीशनल स्टेटमेंट आपके मेनली परफॉर्म होते हैं, आपको टू या मोर देन टू कंडीशन में से कोई कंडीशन आपको फाइंड आउट करनी है कि इट इज ट्रू और फॉल्स, दैट टाइम यू कैन यूज एज अ कंडीशनल स्टेटमेंट। सो देर आर फोर टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट इज सिंपल इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट एंड इफ एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट। सो इन जावास्क्रिप्ट इफ एल्स स्टेटमेंट इज यूज टू एग्जीक्यूट द कोड वेदर कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। आपकी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है उसको डिफाइन करने के लिए आप किसका यूज करते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम सिंपल इफ स्टेटमेंट, ये देखिए यहां पर कंडीशन है, इफ आपने कंडीशन दी, मे बी अगर कंडीशन ट्रू है तो आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अगर एल्स की कंडीशन होगी तो वो नो स्टेटमेंट में आपका परफॉर्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल इफ स्टेटमेंट की बात करते हैं। सिंपल इफ स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट होता है जब आपकी कंडीशन, ओनली वन कंडीशन इट कैन बी एग्जीक्यूट इफ योर कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ही एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ये कुछ भी आपका प्रिंट नहीं करेगा। इफ इट इवेल्युएट द कंटेंट ओनली इफ एक्सप्रेशन इज ट्रू, अगर आपका एक्सप्रेशन ट्रू है तो ही एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ये कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अगर फ्लो चार्ट की हम लोग बात करते हैं, देखिए यहां पर आपने कंडीशन लिखा, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये जाएगा कंडीशन ब्लॉक में, अगर ये कंडीशन फॉल है तो आपका आउटसाइड इफ स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल दिया ए इक्वल टू 10, अभी हम लोग इसको एग्जीक्यूट भी करेंगे, वेर आपने लिखा ए इक्वल टू 10 एंड इसके बाद आपने दे दिया इफ ए इज ग्रेटर देन 5, अभी तो कंडीशन ट्रू है एंड यहां पर आपने क्या कर दिया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में आपने एक को प्रिंट कर दिया। तो अगर अभी कंडीशन ट्रू है, 10 इज ग्रेटर देन 5 कंडीशन ट्रू है तो आपका ए प्रिंट हो जाएगा। अगर आप इसी को 15 कर देते, ए इज ग्रेटर देन 15, तो कंडीशन फॉल्स है, आपने कुछ भी राइट अप नहीं किया तो आउटपुट में आपका कुछ भी प्रिंट ये नहीं करेगा। तो ये आपका सिंपल इफ स्टेटमेंट है, कोड के थ्रू मैं आपको प्रॉपर इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सो हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे सिंपल इफ, डॉट एस टी एम एल से हम लोग इसको सेव कर देते हैं। देन सबसे पहले डॉक टाइप एस टी एम एल, देन डायरेक्ट हम लोग बॉडी की बात करते हैं, बॉडी एंड बॉडी में स्क्रिप्ट आप राइट अप कर दीजिए एंड स्क्रिप्ट के अंदर हम लोग एक स्टेटमेंट ले लेते हैं वेयर ए इक्वल टू 10, सेम कोड में राइट अप कर रहा हूँ 10, कंडीशन मैंने लिखी है इफ ए इज ग्रेटर देन 5, if this condition is true then I write here document dot write के अंदर हम लोग प्रिंट कर देंगे any message you can write here, so a is greater than 5, greater than 5 हमने कर दिया, और इसको अगर प्रिंट भी कराने तो प्लस a को आप प्रिंट भी कर दीजिए, कोलन के बाद हम लोग प्रिंट भी कर देंगे a को, then सेव करेंगे आप इसको, एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग, रन करेंगे आप इसे, डिबग करते हैं, F5 से आप डायरेक्ट रन कर सकते थे। ओके, ऑलरेडी डिबगिंग है मेरा तो मैं इसको क्लोज करता हूं पहले, देन फिर से हम लोग रन करेंगे स्टेटमेंट को क्रोम के थ्रू। सो आपका देखिए ए इज ग्रेटर देन 5 एंड वैल्यू आपको रिटर्न कर रहा है एज अ 10, तो यहां पर आपका आउटपुट जो है वो रिटर्न कर रहा है, क्योंकि यहां पर अगर आप देखें तो कंडीशन है आपकी 10 इज ग्रेटर देन 5, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई, ट्रू ही लूप के अंदर आया और एग्जीक्यूट हो गया। यहां पर ये मैंडेटरी नहीं है कि आप कर्ली ब्रेसेस राइट अप करें, अगर आप एक सिंगल स्टेटमेंट राइट अप करते हैं तो उसके लिए आपको कर्ली ब्रेसेस राइट अप करने की जरूरत नहीं होती है, बट अगर आप चाह रहे हैं इसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट राइट में आपने यहां पर लिखा बी आर टैग This is inner area of if statement. आपने लिखा है, अभी आपने ब्रैकेट इसमें राइट अप नहीं किए हैं, सेव करेंगे आप इसको, रिफ्रेश करेंगे तो अभी ये प्रॉपर एग्जीक्यूट होगा आपका, ये अभी आपका प्रॉपर एग्जीक्यूट होगा। बट अगर आप यहां पर 15 लिख देते हैं, देखिए अब आपकी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। फॉल्स का मीनिंग क्या है, आपका आपको दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट अगर आप ये कहते हैं कि ये दोनों आपके इनर स्टेटमेंट है, इफ के अंदर के पार्ट है, दोनों में से कोई भी आपका एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए क्योंकि कंडीशन फॉल्स है, बट अगर आप कर्ली ब्रेसेस नहीं राइट अप करते हैं तो ये केवल फर्स्ट वाले स्टेटमेंट को ही एज अ इफ का स्टेटमेंट मानता है, दूसरे वाले को ये इफ के आउटसाइड स्टेटमेंट मानेगा और इसको क्या कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। जैसे देखिए आप रिफ्रेश करेंगे, इसको रन करेंगे, सो दिस इज इनर एरिया ऑफ इफ स्टेटमेंट, इसने इसे प्रिंट कर दिया,
तो अगर आप मोर देन वन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं इफ स्टेटमेंट के अंदर, तो आपको उस समय इसमें कर्ली ब्रेसेस राइटअप करना है, और अगर आप सिंगल लाइन को ही एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं तो उस केस में आपको राइटअप करने की जरूरत नहीं है, ये कर्ली ब्रेसेस राइटअप करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, आप मैंने कर्ली ब्रेसेस यानी अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ही आपके दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो कोई भी स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर अभी की बात करते हैं तो 10 इज ग्रेटर देन 15 कंडीशन फॉल्स है, तो अब आप अगर रिफ्रेश करेंगे तो कोई भी स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये आपके याद रखना है, कर्ली ब्रेसेस और विदाउट कर्ली ब्रेसेस आप कैसे, अगर आप सिंगल एक लाइन का कोड है आपका, एक लाइन का स्टेटमेंट आपको लिखना है इफ के बाद, तो आपको कर्ली ब्रेसेस राइट अप करने की जरूरत नहीं है। अगर मोर देन वन लाइन आप स्टेटमेंट इफ की ट्रू कंडीशन के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं तो आपको उसे कर्ली ब्रेसेस के अंदर राइट अप करना है। और ये आपका सिंपल इफ स्टेटमेंट है, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ही एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। देखिए, अगर आपकी कंडीशन ट्रू है, अब मैंने लिखा है 10 इज ग्रेटर देन 5, सो कंडीशन क्या होगी आपकी, ये ट्रू हो गई, सेव करेंगे आप इसे, देन रिफ्रेश हम लोग करते हैं तो दोनों स्टेटमेंट आपके क्या हो जाएंगे, एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो ये था आपका सिंपल इफ स्टेटमेंट। सिंपल इफ स्टेटमेंट इस टाइप से आपका क्या करता है, वर्क करता है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट। थैंक यू स्टूडेंट।